काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और विरासत को संजोए इस परिसर में देश के साथ साथ विदेश से भी अच्छी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को अब अभेद बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि सनातन विश्वविद्यालय को स्थापना हो रही है। 1000 एकड़ में विश्वविद्यालय स्थापित होने वाला है। साल 2025 में सनातन विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रही है। टारगेट या लक्ष्य कहा जाए तो वो 2025 तक का निर्धारित किया गया है। तो वहीं पर अन्नदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज से हमारे सहयोगी मदन मोहन शर्मा ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में कहा जाए तो गुरुकुल का जो है कहा जाए शुरुआत होना है। तो ऐसे में कहा जाए तो श्री आनंद धाम के पीठाधीश्वर श्री रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ में हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। गुरु जी, सनातन भारत यात्रा का क्या मकसद है? भारत जो 800 वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में स्वतंत्र हुआ, परंतु स्वतंत्रता के मायने केवल और केवल शरीर स्वतंत्र हुआ है, पर हमारी विचारधारा, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी पुलिसिंग व्यवस्था, हमारे बहुत सारे कानून आज भी ब्रिटिश कानून हैं, और कुछ पुराने कानून भी ऐसे हैं जो हमारी भाषा ही नहीं है। ऐसे ऐसी भाषा में आप कचहरी में चले जाओ, वल्द फलाना, वल्द ये। अब वल्द किसी बच्चे से पूछो, आज के बच्चे से, कि वल्द क्या होता है, तो कैसे लड़ेगा जाके कोर्ट कचहरी, मुकदमे को कैसे लड़ेगा। तो हमारी भाषाओं का विकास नहीं हुआ। जिस भाषा को हम जानते हैं, मानते हैं, या तो क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए थे, तमिल में होते, कन्नड़ में होते, मलयालम में होते, आपके हिंदी में होते, पूर्वांचल की भाषा में होती, भोजपुरी में होती, उड़िया में होती, बांग्ला में होता, और एक भाषा हिंदी जो प्रायः सभी लोग जानते हैं उसमें होता, इंग्लिश को भी सभी लोग जानने लगे उसमें होता। तो मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पुलिसिंग कानून, ये सब भारत के पास होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कमी के कारण, कहीं ना कहीं राजनीतिक दरिद्रता रही हमारे स्वतंत्रता के बाद, जिसके कारण हम भारत के विषय में नहीं सोचे, हम सत्ता बचाते रह गए, सत्ता का खेल खेलते रह गए, और भारतीय बेहाल होते गए। और भारतीयों की बेहाली को पुनः सुंदर हाल में लाने के लिए, एक अच्छे मोड़ पर ले जाने के लिए, और सनातन संस्कृति का उद्भव, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को अपनी सनातन शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। आधुनिक विज्ञान और पुरानी हमारी सनातन शिक्षा पद्धति दोनों के मिक्सचर से जो अभी विद्या पद्धति बनाई जाएगी, वो एक हाथ में सुंदर शास्त्र होंगे, दूसरे हाथ में सुपर कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर होगा, इन दोनों का हम प्रयोग कर पाएंगे। मैं इस शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूं, कुछ लोग मुझे गाली देंगे, आ गया फिर से लगता है पूर्व पाषाण काल युग में ले जाएगा। मैं उनको बता दूं कि मैं खुद ऑनर्स हूं कई विषयों में, मैं उनको बता दूं मैं विज्ञान का छात्र हूं, मैं उनको बता दूं कई डॉक्टरेट की मानद उपाधियां मेरे साथ हैं। तो मैं आपको पूर्व पाषाण काल